फतेहपुर जिले में बजरंग दल के कार्यालय का उद्घाटन करने आए विहिप के संगठन मंत्री अम्बरीश ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 491 वर्ष का हिंदू समाज का लंबा इंतजार 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले राम मंदिर के पक्ष में आने के बाद राम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें पिछले शिला पूजन में हम लोग 3 लाख गाँव गए थे। इस बार 4 लाख गाँव जिसमें 55 करोड़ हिंदू परिवार के घर जाएंगे, जहाँ हम लोग 10 रुपए से लेकर 100 रुपए व 1000 का कूपन चंदे के रूप में लेंगे। वहीं जो लोग 2000 से ज्यादा रुपए चंदा देंगे उनको हम रसीद देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बाबर की सेनापति ने भगवान राम के मंदिर तोड़ा था, जिसे बचाने में लाखों हिंदुओं ने अपनी जान दी थी। जनवरी से और माघी पूर्णिमा 27 फरवरी तक देश में अभियान चलेगा। अलग अलग प्रांतों ने इसमें से अलग अलग तिथियां तय की और इस अभियान में पिछले शिला पूजन में हम 3 लाख गाँव में गए थे, इस बार हम 4 लाख से ऊपर गाँव में जाने वाले हैं, 11 करोड़ परिवारों में जाने वाले हैं। तो 11 करोड़ परिवार का मतलब कम से कम 55 करोड़ से ऊपर हिंदू के पास हम जाने वाले हैं। भारत और चीन के अलावा किसी देश की जनसंख्या 55 करोड़ नहीं है। तो इतना बड़ा ये संपर्क का अभियान है, श्रीमान से लेकर और जो रोज कमाने खाने वाला हिंदू है उन सबका योगदान राम मंदिर में हो, इसका प्रयत्न करने वाले हैं। विचारधारा बाकी सब बातों से उठकर हिंदू के घर में जिसने जन्म लिया उन सब के पास हम संपर्क के लिए जाने वाले हैं। 3 तरह के कूपन न्यास ने छपवाए हैं, 1 10 रुपए का, 1000 रुपए का और 100 रुपए का। इस कूपनों के माध्यम से जाएंगे और 2000 से ऊपर जो लोग राशि देंगे उनके लिए रसीदें। जिनसे भी कोई भी धन लेंगे, 10 रुपया भी लेंगे, उनको 2 वस्तुएं हम देने वाले हैं। एक तो एक पत्रक देने वाले हैं जिसमें राम जन्मभूमि का संक्षिप्त इतिहास होगा। तो 55 करोड़ हाथों में हम पत्रक पहुंचाने वाले हैं। और दूसरा जो कूपन होंगे तीनों वो पोस्टकार्ड साइज के हैं और उसमें अलग अलग तरह के भगवान राम के और मंदिर के चित्र बने हैं। तो हर एक के घर में मंदिर का चित्र और भगवान राम का चित्र पहुँचने वाला है। और जो रसीदें कटने वाली हैं उनके लिए अलग से भगवान राम और मंदिर के चित्र बनवाए गए हैं। तो सब घरों में भगवान राम के चित्र पहुंच जाएं, सब घरों में भगवान राम के मंदिर के चित्र पहुंच जाएं और राम जन्मभूमि का इतिहास पहुंच जाए। और इस आंदोलन के बाद जो हिंदू समाज की पीढ़ी पैदा हुई उसको ध्यान में आ जाए कि कितने लंबे संघर्ष के बाद हिंदू के सामने प्रसन्नता का दिन आया है। इतना ही नहीं, इस पूरे अभियान को पूर्ण रूप से और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से हमने टोलियां बनाई हैं। टोलियों के माध्यम से संग्रह होगा और टोलियां जो हैं उनका धन एक डिपॉजिटर के माध्यम से, 4-5 टोलियों पर एक डिपॉजिटर है, उसके माध्यम से 3 बैंक तय किए हैं न्यास ने, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके 46,000 शाखाओं में 24 घंटे के अंदर जो धन आएगा वो तुरंत जमा कर दिया जाएगा और 27 फरवरी के बाद उसमें कोई धन अभियान का नहीं जमा किया जा सकेगा। इस तरीके की एक पूरी योजना हमारी बनी हुई है। इस दृष्टि से पूरे देश में जागरण का यह कार्यक्रम चल रहा है और यह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जो है यह केवल एक मंदिर निर्माण नहीं, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का की पुनर्प्रतिष्ठा के महायज्ञ का श्री गणेश है। सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद जो कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था वह काम बाधित हो गया था बीच में, उसी यज्ञ की यह जो है उसका श्री गणेश है यह राष्ट्र, क्योंकि वो जो इमारत थी जो 6 दिसंबर को गिरी थी वह विदेशियों के विजय का चिन्ह थी, हमारे अपमान का प्रतीक थी। वह इमारत गिरी और वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा है। इस काम में संपूर्ण समाज लगे, इसलिए संपूर्ण